हमारे साथ मौजूद होंगे साबित टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सर नजर। चेंजेस उनको करनी पड़ेगी क्योंकि निजाम काफी खराब हो चुका है। एहसान मानी ने अगर गलतियां की तो उसके साथ उसका पूरा एक जमे वजफरी था। पहला मैच ही पाकिस्तान के इंडिया के साथ होना है। इंडिया की बैटिंग इस वक्त जो इंग्लैंड वगैरह में खेली वो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी के नहीं है, बल्कि अब डेंजर मैन तो रोहित शर्मा बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्राइम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों बहुत ज्यादा खबरें, कोचेस चेंज हो गए, चेयरमैन पीसीबी जो है वो चेंज हो गए, न्यूजीलैंड की टीम यहां आई हुई है, वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ आप लोगों को इतना पसंद नहीं आया, तो बहुत कुछ है। सबसे ज्यादा तो न्यूजीलैंड की खुशी है क्योंकि टीम 18 साल बाद यहाँ आई है। तो इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे साबित टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सर नजर, उनसे हम सीरीज के हवाले से भी बात करेंगे, बोर्ड में जो चेंज हुआ है वो भी पूछेंगे और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को वो कहाँ देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर नजर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और आप देख रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले दिनों काफी चेंजेस आई, सबसे बड़ा फैसला तो रवीत राजा के चेयरमैन जो बने हैं वो एक नजर आया हमें देखने में, जो वजीर आजम ने उनको गवर्निंग बोर्ड में नामजद किया और अब उन्होंने ओहदा संभाल भी लिया है। तो इसी से आगाज करते हैं, कैसा फैसला है आपके ख्याल में ये? मेरे तो ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है क्रिकेट में रहे, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट पीसीबी में तौकीर ज़िया साहब के साथ उन्होंने काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। खासकर मेरा काम तो डेवलपमेंट का है, तो उस जमाने में जो आगाज हुआ था अकेडमी के सिस्टम का वो तौकीर ज़िया और रमीज़ ने शुरू किया था, उसके बाद उनकी बड़ी सपोर्ट रही थी हमको और आउटस्टैंडिंग वर्क किया था, काफ़ी अटेंशन टू डिटेल था इनका काम। वैसे भी जब भी उनको मौका मिलता था आते जाते रहते लाहौर में, क्योंकि एनसीए लाहौर में थी तो हमारा इनसे इंटरेक्शन रहता था। वैसे भी इंटरनेशनल मैचेस में भी जब कभी भी मुलाकात हो जाती तो सब्जेक्ट उनका क्रिकेट ही है और काफी गौर से देखते थे, हमेशा इनका ओपिनियन होता है क्रिकेट। तो आप क्या सबसे बड़ी चेंज होती देख रहे हैं कि इनके आने के बाद ये इंकलाबी तब्दीलियां होंगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें तो काफी की है कि इकदाम करने चाहते हैं बेहतरी के लिए और एक एनर्जी भी लग रही थी उनमें कि वो चाहते हैं कुछ करना पाकिस्तान के लिए। देखें, उनको तब्दीलियां तो काफी लानी पड़ेंगी। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ एहसान मानी की गलतियां थी, बिल्कुल मानी साहब की बहुत बड़ी गलतियां थी। सबसे बड़ी गलती उनकी यही थी कि वो डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे, सब कुछ बंद करके बैठ के। रमीज ने जाते बातें की हैं, वो की ग्राउंड की बात की है, पिचेस की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, सेंटर्स बनाने की बात की है, स्कूल क्रिकेट क्लब क्रिकेट, ये सारी चीजें एक वसी सा एक सब्जेक्ट है जो उन्होंने कवर किया और ये सारे का सारा बंद पड़ा हुआ था। एंड आई एम हैप्पी, जब मैं उनकी बातें सुना तो वो एज ए क्रिकेटर बात कर रहे थे और क्रिकेट की उन्होंने बातें की, ये तो उनकी बातों से वो दूर है। और एहसान मानी ने अगर गलतियां की तो उसके साथ उसका पूरा एक जमे वजफरी था जो उसके साथ थे, तो सबका उसमें इतना ही हिस्सा है जितना एहसान मानी का था, तो उन सबको जाना पड़ेगा। और I'm talking about not just जो बोर्ड में बैठे थे, जो उनके साथ नॉमिनेट होके आए थे मदन किसान मानिक साहब, उन सबको भी मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा चेंजेस देख रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में? जी मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, क्योंकि जो उन्होंने बातें की हैं बातें तो उन्होंने शुरुआत करने की जो आज से 10 साल पहले था सारा निजाम, सो शरिया के जमाने में था, उसके जमाने में नसीम अशरफ के जमाने बड़े जोरों पे था। आप फॉर इंस्टेंस पिचेस की बात करते हैं, ग्राउंड्स की बात करते हैं, नसीम अशरफ के जमाने में जो मेरा का सेकंड टेन्योर था एज गेम डेवलपमेंट डायरेक्टर, तो हम 100 ग्राउंड्स बनाने जा रहे थे, कुछ बनी भी जो बाद में पीसीबी के साथ कोई माजे नहीं थे इतने अच्छे, उन पर कंट्रोल नहीं रहा इनका, वो खराब भी हुई, लेकिन ये लगता है कि जमीन उस तरफ ही जाएगा। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है ग्राउंड्स बनाने की। आई रिमेम्बर जो थर्ड टेन्योर के लिए मैं आया था, शहरयार से जो मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा आप सेंटर्स बनाएंगे तो मैं आता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है बनाएंगे। तो मैंने उनको ये कहा था कि देखें आप जितनी मर्जी अकेडमीज लगाना चाहते हैं आप लगा लें, जब तक हमारे पिचेस के हालात ठीक नहीं होंगे, पिचेस हमारी ठीक नहीं होंगी, हम आगे नहीं जा सकते। और हम रियली हैप्पी कि रमीज ने आते ही इस बात को हाईलाइट किया है। अगर आपको कॉल आए उनकी के आ जाओ दोबारा पाकिस्तान वापस तो आ जाएंगे आप? नहीं देखें, स्पेकुलेशन हमेशा होती है। पाकिस्तान में जब मैं इंग्लैंड में मुकम्मल तौर पर रहता भी था,
अपना बिजनेस कर रहा था, तो जब भी बोर्ड में कोई चेंज आती थी मेरा नाम जो तीन चार नाम लिए जाते हमेशा उसमें होता है। मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, मेरा इस वक्त 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है क्रिकेट बोर्ड के साथ, बाकी देखे आगे क्या होता है। मेरी दिली तमन्ना तो यही है कि पाकिस्तान निज़ाम पूरा ठीक हो, तो लास्ट टाइम मैं करने आया था जो भी आए उसको तकमील करे। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट बोर्ड था उन्होंने उसको इतनी अमीर नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं हमने पैसे नहीं लगाने, पैसे हम अगर आएंगे तो बाहर से लेके आएंगे। तो मैं कहता भी रहा कि बाहर से नहीं आ सकते, पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है स्पॉन्सरशिप का, और दूसरा ये भी है कि कोविड का भी जमाना भी उसके बाद शुरू हो गया था, तो इस तरह के हालात में कहाँ से स्पॉन्सरशिप आनी थी, और ना ही कोई इतनी इनमें हिम्मत थी, इतनी एनर्जी थी कि जाके कर लेते, क्योंकि सिर्फ पैसे की बात ही नहीं थी। पैसा तो मैं ले आया था पेशावर के लिए, पेशावर के स्टेडियम का केपी के गवर्नमेंट से हमारा 1,34 करोड़ रुपए का मुआवजा हुआ था, जो जो स्टेडियम बनना था, उसके बाद अपना अकेडमी बननी थी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट अकेडमी बननी थी जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सवाए मेरे वाले जाके इनमें से कोई भी नहीं गया, इन्होंने घास नहीं डाली इतने बड़े प्रोजेक्ट को। अगर आप इनकी मार्केटिंग को देखने तो कितना पैसा लेके आती पीसीबी के मार्केट, तो एक प्रोजेक्ट का इतना बड़ा पैसा भाई, जो इतना टैलेंट आ रहा था केपी केस से उसके लिए बहुत लाजम था कि वहां पे एक परमानेंट सेंटर होना चाहिए था। जिस वक्त आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम, उस वक्त क्रिकेट अकेडमी था बाद में हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया, तो नाम ही बदला या कुछ बेहतरी भी आई उसमें आपके ख्याल में? जी मैं इतना फॉलो तो नहीं किया उनको, जो प्रोग्राम मैं कर रहा था उनमें से प्रोग्राम इन्होंने किए थे थोड़े बहुत, लेकिन बड़े कम अरसे के। रिसेंटली एक अंडर 19 का प्रोग्राम इन्होंने कराची में जो किया वो कुछ बेहतर है, बाकी अंडर 13 का इन्होंने बंद कर दिया। अगेन आई गो बैक टू व्हाट डमीज सेड, एज ग्रुप्स की बात कर रहा था, तो अंडर 13 उन्होंने फारिगी कर दिया। आई होप कि ये अंडर 13 स्टार्ट करें। कई दफा पाकिस्तान में अंडर 13 को स्कूल क्रिकेट के साथ मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा मुख्तलिफ है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से काफी सारे हमारे हार्ड कोर क्रिकेटर्स जो स्कूल नहीं जाते, तो अगर हम सिर्फ स्कूलों पे बैठ जाएं, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है, स्कूल क्रिकेट होनी चाहिए, बहुत जरूरी है होनी चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं कि 2 करोड़ उस बच्चे को 2 करोड़ को जो स्कूल नहीं जाते, तो इन्होंने वो जो बंद किया है उन्होंने ज्यादा की है किसी भी। अब हम बात करते हैं थोड़ा पाकिस्तान टीम के हवाले से, और वर्ल्ड कप होने वाला है, तकरीबन 1 महीना रह गया है, लेकिन मिसबाह हक और वकार यूनुस जो है वो शायद उन्होंने नवश्ता दीवार ही पढ़ लिया था कि अब बोर्ड में चेंज आने वाला है, कि हम फारिगी ना कर दें तो वो खुद ही चले गए, तो ये कैसा फैसला है आपके ख्याल में और इससे कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान टीम को? देखिए जाना तो नहीं चाहिए था उनको इतने इन हालात में, लेकिन जैसे मैं 6 महीने पहले ही मैंने बोल दिया था पीसीबी को मैं ख्वाहिश नहीं रखता मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि इतना सीनियर होने के बाद जब आप बातें सुनते हैं या देखते हैं कि किस तरफ जा रहा है माहौल पीसीबी का, और ये जलील करना चाहते हैं आपको एंड पे, तो बेहतर ये हो कि बंदा छोड़ के चला जाए जैसे कि मैंने छोड़ा था। अब आई फील कि शायद इन दोनों के साथ भी ऐसे ही हुआ, दोनों इतने सीनियर खिलाड़ी हैं तो उन्होंने छोड़ दिया, खुद होना नहीं चाहिए था। इतना करीब आके वर्ल्ड कप के जो छोड़ा है इसमें नुकसान होता है। 2003 का जो वर्ल्ड कप था जो साउथ अफ्रीका में हुआ था वो तो किसिया से मेरी अनबन हुई थोड़ी सी, मैं चोट उन्होंने कहा कि आप अकेडमी वापस आ जाए, तो मैंने कहा नहीं मैं छोड़ के चला जाता हूँ, तो उससे टीम को बहुत नुकसान हुआ था, नया कोच बन के गया था, तो वो फिर तसलसल नहीं रहता और टीम को भी मार भी पड़ी। आई होप कि ऐसा ना हो इस वर्ल्ड कप में, लेकिन इसके असरात जरूर होंगे। हेडन और फ्लैंडर से कॉन्ट्रैक्ट किया है रवीन्द्र राजा साहब ने, और वर्ल्ड कप में वो टीम के साथ होंगे, तो ये फैसला कैसा है? एक लिहाज से दोनों बड़े प्रोफेशनल और अग्रेसिव क्रिकेटर्स रहे। हेडन को तो आपको पता है बैटिंग में बहुत ज्यादा एग्रेशन थी उनमें, वरना फ्लैंडर हालांकि उनकी पेस नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन बड़े अग्रेसिवली बॉलिंग करते थे और बड़े आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं उनकी, तो आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम। मुझे पहले कभी भी जो फॉरेनर्स अगर पाकिस्तान में आकर काम करना चाहते हैं आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम अगेंस्ट देम, अगर वो अच्छे हैं टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं तो बहुत ठीक है, आना चाहिए उनको। मैं भी तो जिंदगी में बहुत कम पाकिस्तान में काम किया, ज्यादातर तो मैंने दूसरे ममालिक में जाके काम किया। जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ उस पे काफी ज्यादा तंकीद हुई, आपने भी देखा होगा, आपका क्या ख्याल है स्क्वाड ठीक अनाउंस हुआ? जी मैं भी बहुत अनईजी था इस स्क्वाड के साथ, पहले ओपनिंग बैट्समैन नहीं मिलते, अब
कप्तान ने वाइस कप्तान ने ओपन शुरू कर दिए तो मिडल ऑर्डर बिल्कुल खाली हो चुका है। और अब देखते हैं, एक चीज मैं काफी गौर से इस वक्त देख रहा हूँ कि हफीज के जो थोड़ी बहुत अनबन हुई है क्रिकेट बोर्ड के साथ, कहीं है ना कि वो पुल आउट कर जाए। अगर वो पुल आउट कर जाता है वर्ल्ड कप से तो फिर बहुत ही नुकसान हो जाना, क्योंकि इस स्टेज पर भी मिडल ऑर्डर में रहा ही कुछ नहीं जाना। और ये बड़ा की पॉइंट है पाकिस्तान का, क्योंकि आपको पता है बाबर जब खेलता है तो बाबर लंबी इनिंग खेलता है, इतनी तेजी से नहीं खेलता, जो स्ट्राइक रेट उसका है वो दूसरों के मुकाबले में थोड़ा कम होता है, लेकिन व्हाट ही डस वेल इज कि पूरी इनिंग को खेल जाता है। तो उसके साथ कोई ऐसा मिडल ऑर्डर में होना चाहिए एक जो कोई 50-60 करने वाला और जो कि तेज खेलने वाला और समझता हो जो 2020 क्रिकेट को, वो इस वक्त पाकिस्तान में जो दो तीन लड़के हैं ऑलमोस्ट अनट्राइड ही हैं, दो दो तीन तीन मैचेस खेले हुए लड़के आए हैं। तो आई होप कि कुछ यहाँ तो लड़के परफॉर्म करते हैं, यंग ब्लड है, लेकिन इसके नुकसान काफी हो सकते हैं। सेमीफाइनल में देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को आप? ये जरूर देख रहा हूँ, पोटेंशियल में इसलिए देख रहा हूँ कि मैं पहले भी कहा था जब इंग्लैंड में इनको मार पड़ रही थी तो मैं कहता था कि इनको पोटेंशियल है वर्ल्ड कप जीतने का, मेनली बिकॉज द पिच इज इन यूएई। एक तो पिच इज नीचे रहता बॉल, सॉइल जो है वो पाकिस्तान से आया हुआ है तो पाकिस्तानी पिचेस होती हैं, और फिर जू जू टूर्नामेंट होता जाएगा पिचेस आर गेटिंग टायर्ड तो वो स्पिन लेना शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान के चेंज ऑफ पेस का भी इसमें आ जाएगा, रिवर्स भी आ जाएगी, स्पिन भी आएगी इसमें। पाकिस्तानी बैट्समैन दूसरे ममालिक के लिहाज से स्पिन को बेहतर खेलते हैं, तो पाकिस्तान आई सी पाकिस्तान एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम्स बजाय। लेकिन यह जरूर है कि पाकिस्तान में जो सिलेक्शन में थोड़ी सी खामियां हुई हैं वो हुई हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के चांसेस बहुत अच्छे हैं। पहला मैच ही पाकिस्तान का इंडिया के साथ होना है, अमूमन इंडिया से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहती नहीं है, तो इस बार क्या ख्याल है आपका दोनों टीमों के स्ट्रेंथ देख के? अगर आप टीम की स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो बहुत आगे हैं हमारे से, पर इफ यू लुक बैक एट चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने जीती थी उसमें भी पहला मैच इंडिया से हारे थे और बहुत फर्क था दोनों की टीम में, बट ऑन द डे पाकिस्तान बीट देम इन द फाइनल, और दरमियान में टूर्नामेंट खासकर सेमीफाइनल के आसपास आके पाकिस्तान ने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी, और आई होप कि इस दफा भी ऐसा ही हो। अगर तो इंडिया को मार देते हैं पहले मैच में तो उससे जो मोमेंटम आएगा वो बहुत जबरदस्त होगा, और ऑन द रे खासकर 2020 में एक बंदा भी अगर टॉप क्लास इनिंग्स खेल जाए या फिर उसका दो तीन ओवर का स्पेल अच्छा हो जाए तो बड़ा टीम को फर्क पड़ जाता है, और इंडिया की बैटिंग इस वक्त जो इंग्लैंड वगैरह में खेली वो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी के नहीं है। विराट कोहली का भी पिछले दो तीन साल से जो उसका हवा था या जो उसकी परफॉर्मेंस होती थी जगह बात दी गई वो सेंचुरी कर रहा होता था, थोड़ा नीचे आवे बल्कि अब डेंजर मैन तो रोहित शर्मा बन चुका है, तो लेकिन having said all of that, उनकी टीम हमारे से बेहतर। न्यूजीलैंड की टीम आई है पाकिस्तान 18 साल बाद दोबारा वनडे सीरीज अब शुरू होने वाली है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली जो टीम आई है वो तो बिल्कुल बी टीम से भी कम की, और अब लेकिन ये हालात ऐसे हैं अब ये होने था। मैंने आज से इतने सालों पहले डॉक्टर नसीम मशद से बात की थी कि इस तरफ ही जा रहा था कि फ्रेंचाइज पे ध्यान होगा लोगों का, एंड आई सी जब पाकिस्तान के लड़के इंग्लैंड के सारी दुनिया के लड़के जब डोमेस्टिक कंपटीशन खेले होते हैं तो इन सब की नजरें या ड्रेसिंग रूम में बातें सिर्फ IPL की हो रही होती हैं या CPL की या जो ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट इस तरह की। अब जो क्रिकेटर्स हैं वो हमारे जमाने से थोड़ा मुख्तलिफ हो चुका है, अब सबकी नजरें इन इस फॉर्मेट में हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत बनता है और वक्त भी बहुत थोड़ा होता है, तो लड़कों का फायदा ही फायदा है इसमें फाइनेंशियली, तो ये उसी तरफ ही जा रहा है। और इस दफा तो न्यूजीलैंड का है, बाद में भी दूसरी टीम में भी जब हम पाकिस्तान या दूसरी टीम में भी ऐसे ही हुआ करेगा, कुछ लड़के लीगों में चले जाया करेंगे, कुछ नेशनल टीम में होंगे, आप बंद नहीं कर सकेंगे ये, क्योंकि अगर किसी लड़के को आप बंद करते हैं वो कोर्ट में चला जाता है तो किसी सूरत भी वो केस जो है इतना स्ट्रांग होगा कि आप जीत नहीं सकते, कोई भी क्रेडिट बोर्ड जीत नहीं सकेगा। तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट का मामला है, रोजी का मामला है, वो कहीं भी जाके वो केस जीत सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कैरी पैकर के जमाने में भी लोग चले गए थे, क्रिकेट बोर्ड गए थे, प्लेयर्स गए थे कोर्ट में, आखिर में जीत प्लेयर्स की भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर नजर साहब आपके वक्त। थैंक यू। तो मुदस्सर नजर की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका ख्याल है पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जरूर खेलेगी, उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं इंडिया के खिलाफ मैच के बारे में कहा, क्योंकि
ऑन पेपर इंडिया की टीम ज्यादा मजबूत है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी ऐसा ही था, लेकिन पाकिस्तान ने फाइनल में उन्हें हराया था। बोर्ड में तब्दीलियों को उन्होंने खुशाइन करार दिया, उनके ख्याल में रवीज राजा के आने से फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकी जो टीम है पुरानी उसको भी उन्हें चेंज करना चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम को उन्होंने कहा कि कमजोर है और बी टीम से भी ज्यादा कमजोर है, लेकिन आई है टीम, यहाँ क्रिकेट हो रही है, ये बड़ी बात है। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।